अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अम्मा काय, अरे ट्यूब तो आधा खत्म हो गया है। मेकअप का इस्तेमाल किसी ने तो किया है, हम बता रहे हैं। का? हाँ। अगर इसने नहीं लगाई तो फिर किसने लगाई? राम भली करे, लगता है हमें किसी की नजर लग गई। तभी तो चांद जैसे चेहरे पे लालिमा छा गई। तो क्रीम इन्होंने लगाई है? महंगी विदेशी क्रीम तोरे किस काम की? हम लगाएंगे। बर्फी भाभी। हाँ, जी जी। सच कह रहे हैं, आपके तो भाग्य खुल गए जो आपको इतनी सुंदर और प्यारी बहू मिली है। अब तो इसे देखते ही लट्टू हो गया होगा। जी बिल्कुल, अरे सूरत पर ही तो लट्टू हुए हैं हम सब। लल्ला का फोन है, हम अभी आते हैं। अब फोन लेकर के। हाँ लल्ला। माँ, कमिश्नर साहब घर आ रहे हैं, मैं साथ में बैठ के इम्पोर्टेंट काम करना है। शांति से हो पाएगा घर पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं लल्ला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बिंदिया घर पे है। पता नहीं कमिश्नर साहब के सामने क्या नया नाटक करने लगे। वैसे भी कमिश्नर साहब मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि पिछले सारे सबूत बिंदिया की वजह से खराब हुए थे। अगर उस लड़की के कारण बात और बिगड़ी ना माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई भी धमकी नहीं सुनूंगा। मैं उसे सीधा घर के बाहर निकाल दूंगा। अरे अरे लल्ला, ऐसा कुछ भी ना होगा। तू घर आ जा, सब शांति से काम कर पाएगा। ओके, मैं आ रहा हूँ। सर, चलो। लल्ला, तू घर तो आ, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। कहाँ बुदबुदा रही हो अकेले में? वो लल्ला चाहता है कि घर में सब शांति हो, बिंदिया कोई नाटक ना करे, वरना वो उसे घर से बाहर कर देगा। अब तू बता, घर में नाटक होना चाहिए या नहीं? नाटक होना चाहिए या नहीं? अम्मा, हम कैसे? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अब नाटक होगा तभी तो अभय को गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा बिंदिया को घर से बाहर निकाल देगा, और तुमको भी छुटकारा मिल जाएगा उमेगा की धमकियों से। तू यहीं रुक, मैं अभी आई। अम्मा गई कहाँ है? हम भी देख कर आते हैं। हम एक नुस्खा बताएं। बताओ। अंबिया, दालचीनी, केसर और इलायची, ये चारों को ना छत पे सुखा के पीस लीजिए, और इका चूरन बना के रोज खाने से आधे घंटे पहले फाक लीजिए। मजाल है जो कभी मड़ोर उठिए भोलेनाथ सबके साथ। अम्मा, ये कहाँ कर रही हो? अम्मा, हम मानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हर दर्द का इलाज ना दारू नहीं होता है। छोड़ो उसको। बचपन में तुम दो तीन बार पालने से गिर गई थी, पर हमने कभी ना सोचा था कि उस बात का असर तुम पर ऐसा होगा। किस बात का असर अम्मा? शराब हमारे पीने के लिए ना है, बिंदिया को पिलाने के लिए है। अच्छा अच्छा,
अब ये ग्लास लो और बिंदिया को दे आओ। बहुत बढ़िया अम्मा, राम भले करे। आप दोनों बिंदिया को शराब पिलाना चाह रहे हो? अक्ल तो बड़ी चला ली तुमने, पर याद रहे जबान चलाई ना तो कैंची की तरह कतर दी जाएगी। महल में रहना है ना, एसी की ठंडी हवा खानी है ना, नरम बिस्तर पर सोना है ना, तो चुपचाप जैसे हम कहते हैं ना बस वैसे ही करते जाओ। रुंझुन जी, अम्मा लाओ वो गिलास दो। अपनी भांजी को शराब ये ही पिलाएगी। जैसे ही मुझे पता चला कि सारे सबूत खराब हो गए हैं, मैं बहुत अपसेट हो गया था। ऊपर से बहुत अधिक प्रेशर है, सीएम साहब वाले केस में लीड बहुत जल्द ढूंढनी होगी। एट प्रेजेंट में कोई भी चांस नहीं ले सकता, पर हाँ तुम्हारी शादी की फुटेज में तुम्हारे साथ देखूंगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। यस सर, आई एम श्योर फुटेज से कोई ना कोई लीड मिल जाएगी। कहो। कुछ नहीं, एक मिनट, एक मिनट। हाँ क्या कर दिया, क्या करें? जाके बर्पी जी को बताएंगे तो वो तो हमारे मुंह में हाथ डाल के हमारा कलेजा ही निकाल लेंगे। अब हम कहीं संभाले का पड़े। बस उठा रहे, हाँ धन्यवाद धन्यवाद।